सोच पा रहे, पूरी बात करें। मैं लिया फिजिक्स में दीदी बात करें, तीन चार चीजें पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हूँ मैं बेटी बात करें? रेजिस्टेंस पढ़ती हूँ, पूरे का पूरा टॉपिक रेजिस्टेंस का। दीदी बात करें इंडक्टेंस पढ़ती हूँ, इंडक्टेंस की बात दीदी बात करें एसी में बहुत अच्छे से कर रखी है, ठीक है। एक दीदी बात करें कैपेसिटेंस पढ़ती हूँ। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटी बात करें इलेक्ट्रिसिटी, बेटी बात करें पता है क्या दीदी बात करें? बोलो बोलो आंसर बोलो दीदी बात करें। भाई नीचे मत देखो, मैंने बोला कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है? इसका मतलब है वो करंट के फ्लो को रोकता है। बहुत अच्छी, अगर मैंने वही बोला दीदी बात करें बताओ इंडक्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध। मतलब बेटा बात करें अगर किसी गोलू बात करें कंडक्टर में, किसी बेटा बात करें समझ पा रहे, कंडक्टर मतलब चालक में अगर करंट का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो बुरे बात करें वो सब्सटेंस की दीदी बात करें प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो चार्ज की या करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। ये बेटू बात करें यही प्रॉपर्टी तो अपन क्या नाम देते, याद है दोस्त? जो जिस स्टेट में वो सिस्टम में रुको रहना चाहता है, अगर दीदी मूविंग स्टेट में तो मूविंग रहना चाहता है, हाँ कि ना? इसको अपन दीदी बोलते हैं इनर्शिया। बहुत अच्छी, तो समझो दीदी बात करिए ये सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी वो इनर्शिया ही है। जो गुड़े बात करें अपने अंदर दीदी बात करें क्या होने वाले चार्ज के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। रेजिस्टेंस कर दीदी कोई एक शब्द में पूछे तो उसका मतलब बेटा क्या है, चार्ज का, हाँ कि ना? फिर बेटा बात करें एग्जैक्ट अपोज और बेटा बात करें फ्लो ऑफ चार्ज और करंट, आ रखी ना? ये किसकी प्रॉपर्टी की बात करें? हर एक कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर से दीदी बात करें चार्ज का फ्लो हो सकता है। चार्ज मतलब क्या है? करंट ही तो है, क्योंकि करंट क्या होता है? क्यू बाई टी, द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। सोच पा रहे? अगर कोई आपसे पूछे बेटा बात करें इंडक्टेंस क्या है, बोलू बात करें प्रेरकत्व क्या होता है, तो इंडक्टेंस का फंक्शन क्या होता है दोस्त? एग्जैक्ट आपको लिखवा है पहले कि इंडक्टेंस दीदी क्या करता है, सर्किट में जो बह रही दीदी करंट है उसके चेंज का अपोज करता है, करंट के फ्लो का अपोज नहीं करेगा। अगर 2 एम्पीयर करंट बह रही, 2 एम्पीयर बहती रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से तुम 2.5 नहीं हो सकती और दीदी बात कर 2 से तुम 1.5 नहीं हो सकती, मतलब तुम्हारी ना तो बढ़ने देगा और ना ही कम होने देगा। सोच पा रहे? मतलब बढ़ता है करंट, घटता है, लेकिन उसका एक अपोज करता है, चेंज का अपोज करता है, उसको अपन क्या बोलते बेटू बात करें? प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? तो प्रेरकत्व का काम क्या होता है बेटू बात करें? सर्किट में बहने वाले करंट या चार्ज के दीदी बात करें चेंज का अपोज करना। दूसरी भाई दीदी बात करें अपन कैपेसिटी की बात करें, कोई आपसे पूछे कैपेसिटेंस क्या होता है, धारिता क्या होती है, जिसको अपन बुढ़े बात करें यहाँ बोलते संधारित्व की धारिता कैपेसिटेंस, और बेटा बात करें क्या कैपेसिटर। क्या दीदी बात करें कि बस संधारित्व की धारिता होती है? ऐसा तो नहीं है बेटा बात करें, कंडक्टर की भी तो बेटा बात करें धारिता होती है, हर एक कंडक्टर में बात करें कुछ ना कुछ अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की पावर होती है। तो बेटा बात करें तो अपन बोल सकते हैं आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का मतलब मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज, और बेटा बात करें क्या दीदी बात करें चार्ज, हाँ कि ना? या स्टोरेज ऑफ दीदी एनर्जी बोलो। सोच पा रहे? मतलब बुढ़े को अपने अंदर क्या करता है बेटा बात करें? चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। कौन? कंडक्टर। समझ पा रहे? और जो दीदी बात करें चार्ज को जिनके अंदर स्टोर करने की एबिलिटी है वही कहलाती बुढ़े बात करें क्या? कैपेसिटर। क्या कहलाती बेटू बात करें? सोच पा रहे? तो कैपेसिटेंस अगर पूछेगा कोई तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है बेटू बात करें? बताओ, धारिता। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोले, कैपेसिटी बोले, गुड़े बात करें। रियल में दीदी बात करी है क्या ये? चाहे रेजिस्टेंस की बात कर लो, चाहे कैपेसिटेंस की बात करो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। क्या बेटी बात करें? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सोच पा रहे? तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे बेटा बात करें क्या, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गुड़े बात करें क्या, बताओ गुरु, कैपेसिटेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? क्या पढ़ रहे तू, बताओ गुड़े बात करें हमारे पास? कैपेसिटेंस ऑफ क्या बेटा? कैपेसिटेंस ऑफ क्या बताओ बुढ़े बात करें? कैपेसिटर या कंडक्टर, हाँ कि ना? बोलू कंडक्टर। अब दीदी बात करिए कंडक्टर कौन है बेटू बात करें? एक टाइप का दीदी बात कर कैपेसिटर ही तो है, तो या तो बुढ़े बोल दो इनको क्या कंडक्टर है, क्या बोल सकते बताओ बेटू बात किसको? कैपेसिटर। याद रहेगा तो उसमें नहीं रहेगा, मतलब बुढ़े बात करें अपन संधारित्व की मैंने बात करेंगे। सोच पा रहे? अब ये बुढ़े बात कर जो कैपेसिटर है जो किसकी तरह काम करेगा बेटू, एज अ कंडक्टर की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें दीदी बात करें क्या निकालना है, इसकी धारिता निकालनी है, मतलब इसका कैपेसिटेंस निकालना है। इसी को दीदी अपन बोल सकते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। दीदी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी दीदी ऑफ हमारे पास कैपेसिटेंस, हाँ कि ना? देखो अपने क्या बोला, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ दीदी बात का कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ दीदी कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? धारिता। बेटू बात करें किसकी, चालक की या दीदी बात करें संधारित्व की। सोच पा रहे? और बेटू बात करें मेन, मेन दीदी बात करें कैपेसिटेंस का फंक्शन क्या है बेटू बात करें? द एबिलिटी ऑफ दीदी स्टोरेज ऑफ चार्ज। सोच पा रहे बेटा बात करें चार्ज को स्टोर करने की योग्यता। सोच पा रहे? ये बेटा बात करें क्या कहलाती गुड़िया?
एबिलिटी याद रहेगा दोस्त, द एबिलिटी क्या होल्ड ऑफ चार्ज याद रहेगा, द एबिलिटी ऑफ स्टोरेज बोलो या दीदी क्या बोल सकते हैं इसको, होल्ड करना अपने बुद्धि की बात, अपने अंदर रखना, होल्ड ऑफ चार्ज याद रहे दोस्तों। चार्ज मतलब क्या दीदी, एनर्जी तो है क्योंकि चार्ज से तो एनर्जी आती है, तो कई बार बेटू को चार्ज नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, फिर एनर्जी बोल देगा। मतलब बेटे जो सर्किट अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है, जो सर्किट अपने अंदर बेटा बात करे क्या स्टोर कर सकता है एनर्जी को, वही दीदी बात करे क्या है, वही बुढ़िया उस दीदी कंडक्टर की क्या है, कैपेसिटेंस है। सोच पा रहे मतलब कैपेसिटेंस क्या है, ये एक योग्यता, आपकी योग्यता। अगर दीदी बात करें आप सिलेक्ट हो सकते हो, सोच पा रहे तो वो आपकी योग्यता ही तो है। जैसे अपन पेपर दे रहे बेटा बात करो, पेपर देने के बाद क्या है, जैसे इस क्लास में बैठे हो और कोई दीदी बात करे मैं इतना सारा पढ़ा रहा हूँ और आप इतना सारा सीख रहे हो, तो डेफिनेटली बुढ़िया कोई ज्यादा सीखता है कोई कम सीख के जाता है, वो दीदी क्या है आपकी, वो योग्यता ही तो है। तो हो आप, आपके अंदर बेटू जो आपकी योग्यता है उसी का नाम क्या है बेटा बात करें, कैपेसिटेंस है। आप एक कंडक्टर हो क्योंकि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो अपने अंदर जाने दे रहे नहीं जाने दे रहे दोस्त, तो वो आप क्या है बुढ़िया बात करें, वो आपके अंदर अंदर तक जा रहा है, आप उसको स्टोर कर रहे हो। तो आप हो गए दीदी बात करें क्या, आप हो गए हो कंडक्टर, आप है वो कैपेसिटर। और जो दीदी बात कर अपने अंदर आप क्या एनर्जी को दीदी बात कर नॉलेज को एक्वायर करके स्टोर कर रहे हो बेटा बात कर, वो क्या कहलाती है, वो है आपकी कैपेसिटी। अगर मैं यही चीजें कल पूछूंगा तो आप कुछ ना कुछ तो बताते हो। कुछ लोग तो दीदी बात 100% रिपीट मार देते हैं, 1% भी भूलते नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो गुड कंडक्टर। सोच पा रहे उनकी दीदी बात कर होल्डिंग चार्ज को होल्ड करने की पावर या एनर्जी को होल्ड करने की पावर क्या है, अब बहुत अच्छी है। मतलब वो क्या है, बहुत अच्छे कंडक्टर है, बहुत अच्छे कैपेसिटर है। तो बेटू सीधी सी बात, मतलब मैं आपको फिजिक्स के तरीके से नहीं बताना चाहता। अब दिमाग में दीदी जब भी कोई पूछे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर दीदी बात करें वो एक दीदी कंडक्टर है, वो दीदी बात करें मेटल, एक गुड़िया बात करें एक ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर क्या करता है, चार्ज को या एनर्जी को स्टोर कर लेता है। सोच पा रहे अब स्टोर तभी करेगी उसके अंदर से बेटा चार्ज बहेगा। सोच पा रहे गुड़िया, तो सीधी सी बात पता चली गुड़िया कैपेसिटेंस क्या है, पावर तुम्हारी एबिलिटी योग्यता, काहे की योग्यता, चार्ज को स्टोर करने की। सोच पा रहे और उस ऑब्जेक्ट को नाम क्या दोगे आप, कैपेसिटर कंडक्टर। सोच पा रहे अब कंडक्टर दीदी बात करें कैसा भी हो सकता है, स्फेरिकल मेटल कुछ भी, स्फेरिकल हो सकता है दीदी बात करें, प्लेट फॉर्म हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दीदी बात करें जैसे मैंने बोला ना कैपेसिटर, मतलब बुढ़िया बात करें एक स्पेशल टाइप का दीदी कंडक्टर है। यहाँ पे बुढ़िया बात करें पेयर चलता है, क्या चलता है दोस्त, पेयर मतलब युग्म। किसका युग्म है बुढ़िया बात करें, दो प्लेटों का, दो दीदी बात करें हमारे पास प्लेटों का युग्म है। कंडक्टर तुम किसी को बोल सकते दोस्त, लेकिन कैपेसिटर जैसे तुमने बोला ना बोलू, तो ये दो बेटा बात करें कंडक्टर प्लेट का क्या है, पेयर है। मतलब इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कंटेनिंग प्लेट। आ रहा नहीं आ रहा, दो बेटा बात करें बराबर और विपरीत आवेश रखने वाले दीदी बात करें, समझ पा रहे प्लेटों का युग्म है। सोच पा रहे मतलब जितना चार्ज दीदी बात के इसके ऊपर है उतना ही चार्ज पूरे इसके ऊपर, अपने बोला प्लस चार कूलम है तो दीदी बात करें माइनस चार कूलम चार्ज रखेंगे। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कंटेनिंग बेटू बात कर, समझ पा रहे हो, चार्ज कंटेनिंग प्लेट, समझ पा रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। अब ये प्लेट आपने कैसा ली बेटा बात कर, रेक्टेंगल ली, समझ पा रहे हैं। आप इनको बोलो कैसे ले सकते थे, स्फेरिकल, तो भी दीदी कैपेसिटर मिलेगा। आप इनको दीदी बात कर कैसे ले सकते थे बताओ, बुढ़िया बात करें स्क्वायर के फॉर्म में, तो भी ये कैपेसिटर है। सोच पा रहे दोस्त, आप इनको बोलो बात करें कैसे ले सकते थे बेटा बात करें, सर्कुलर, तब भी बुढ़िया बात दोनों के पीछे तो प्लेट है कि नहीं, जितना इसके ऊपर प्लस है बुढ़िया उतना इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, तब भी ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का मतलब ये नहीं दीदी बात करें कि हमेशा दो ये बना दे, ये दीदी बात करें आपके टॉपिक में आते हैं ट्वेल्थ में, आप जनरली इसको पढ़ के आते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सामान्य प्लेट संधारित सामान्य प्लेट संधारित दीदी बात कर, तो हमें ये जनरली दिखता है। मतलब ये सभी के सभी बेटू बात करें क्या है, कैपेसिटर है। सोच पा रहे, सोच पा रहे, ये गुड़िया बात करें हमारे पास स्फेरिकल है दीदी बात करें, समझ पा रहे, ये गुड़िया सर्कुलर बोल दो, ये दीदी बात करें हमारे पास कैसा बोल सकते गुड़िया, स्क्वायर बोल सकते, इसको कैसे बोल सकते, रेक्टेंगल बोल सकते दीदी बात करें, इसको क्या बोल सकते बताओ, दिख रहा है बेटू बात करें, इनको 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 सर्कल बोल सकते, बोल सकते हो दीदी बात करें, तो जो तुम्हारा दिल करे वो दीदी बात कर बोलो। मतलब फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ो, क्या पढ़ो दीदी बात करें, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह, ठीक है, उसको दीदी बात करें इतना, मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं ना तो कि फिजिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिजिक्स दीदी बात करें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लगेगी तुम जरा देखो दोस्त। तो ये गुड़े बात करें कैपेसिटेंस हुआ, सबसे पहले दीदी बात कर आता है कि कैपेसिटेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, सी से, पर सी से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक दीदी कोई कंडक्टर है, क्या कंडक्टर बेटू बात करें, एक कोई दीदी बात करें कंडक्टर है, समझ पा रहे, कोई सिस्टम है, माने गुड़े बात करिए गोला है, सोच पा रहे हाँ कि ना, तो गुड़े बात करें अब ये गोला है दीदी बात के इसके अंदर एक और गोला रख दिया आपने, सोच पा रहे अरे हाँ की ना, या बुढ़िया बात करें सोचो एक नॉर्मली कंडक्टर ले लो आप, इसको बेटू आपने क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया बताओ बोलो, क्यू, तो बताओ ये चार्ज बेटा इसके अंदर स्टोर होगा कि नहीं होगा,
आप इसको चार्ज दोगे बेटा, इसकी एक लिमिट है कितना चार्ज बेटा क्या कर सकता है अपने अंदर एक्वायर कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो वो दीदी इसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी सी कहलाएगी। आपने इसको क्यों चार्ज दिया, चार्ज स्टोर होता जाएगा और ये दीदी चार्ज किसके फॉर्म बदल जाएगा बेटा, एनर्जी के फॉर्म में, जिसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पहली वीडियो अपन ने बोला इसके अंदर चार्ज जीरो था, दीदी पोटेंशियल भी कितना था, जीरो था। पर दीदी बात क्या, आपने इसको 10 कूलम चार्ज दिया, माना पोटेंशियल दीदी कितना हो गया बताओ, 10 वोल्ट हो गया। समझ में आ रहा है, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस आया बेटा कि नहीं आया। बुढ़े बताओ कितना आ गया, 10 माइनस जीरो करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कितना आ गया, 10 वोल्ट का। सोच पा रहे, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को दीदी बोलते हैं हमारे पास क्या, पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। तो कंडीशन जब भी टू किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो तो चार्ज बुढ़े स्टोर होता है किसके फॉर्म में, टू बात करें एनर्जी के फॉर्म में, या उसी को बोल सकते हैं दीदी बात करें पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा दोस्तों, आया कि नहीं आया। तो कंडीशन की बात करें क्या हमारे पास होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को बेटा बात करें आप क्यू चार्ज देते हो, क्यू यहां पर क्या बेटू बात करें, गिवन चार्ज, क्यों क्या है, गिवन चार्ज की बात करें किसको, टू ऑब्जेक्ट, याद रहेगा नहीं रहेगा, किसी भी दीदी ऑब्जेक्ट को दिया गया चार्ज क्या होता है बेटू बात करें बताओ। अगर चार्ज ज्यादा दोगे तो बुरे बात के इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा, मतलब एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। समझ पा रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन तो बुरे बात करें क्या बताओ, ग्रोथ इन बेटू बात करें, हाँ कि ना, ग्रोथ मतलब इंक्रीज, इंक्रीजमेंट ऑफ पोटेंशियल मतलब क्या, वी आ रहा है उसके, नहीं आ रहा है, तो वी यहाँ पर क्या बताओ बुरे बात करें, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब वृद्धि, सोच पा रहे, या इंक्रीजमेंट बोल सकते, तो ग्रोथ इन पोटेंशियल डिफरेंस, याद रहेगा दोस्त, या पोटेंशियल बोल दो, विभव में वृद्धि, क्या बोलते गुरु इसको, विभव में पोटेंशियल, ये है दोस्त सीधी सी बात है जिसको अपन गुरु पढ़ने वाले हैं। किसी भी कंडक्टर को तुम चार्ज दोगे उसके अंदर उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ती है। सोच पा रहे, अब इस डायरेक्टली पोजिशन दीदी बात कर रहे साइन को, मैंने दीदी बात कर रहे, देखो जैसे यहाँ पे कहा मुझे बात करे कि आपने इसको दीदी क्यू चार्ज दिया, पहले इसका पोटेंशियल जीरो था क्योंकि चार्ज जीरो था, फिर दीदी बात के इसको अपने गुरु कितना दिया, 10 कूलम दीदी बात करे चार्ज दिया और 10 वोल्ट बेटा बात के इसका वोल्टेज बढ़ा, मतलब सीधे समानुपाती ही हो रहा है, लेकिन हो सकता है बुढ़े बात के इसको अपने बेटे 10 बुढ़े कूलम चार्ज दिया और पोटेंशियल दीदी बात कर 5 वोल्ट ही बढ़ा, तो बढ़ तो रहा है लेकिन पूरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है क्योंकि इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ा, हाँ। लेकिन गुरु बात करें बराबर नहीं है, बराबर नहीं है कि तुमने इसको 10 कूलम चार्ज दी तो 10 वोल्ट ही बढ़े, सोच पा रहे बेटा बात करें, तो बराबर नहीं है, सोच पा रहे। जैसे बेटा बात करें आप रोटी खाते हो, अब एक चपाती की गुरु बात करें पता है, अगर बात करें हमारे पास तो नियरली बुढ़े बात करें बोल सकते हैं 30 से बुढ़े बात करें 40 कैलोरी बुढ़े बात करें आपको कंप्लीट मिल जाती है। सोच पा रहे, पतली पतली रोटी होती है गुड़िया, लेकिन क्या गुड़िया बात करें एक चपाती में जितनी एनर्जी है क्या आपकी पूरी आपकी बॉडी की उस कंप्लीट एनर्जी को एक्वायर कर पाती है, नहीं कर पाती है। आपको पता दीदी बात क्या, एक बार हम बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं तो बेटू बात करें डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो पाता, तो उस दीदी बात करें आप रोटी की पूरी कैलोरी को गुड़िया बात करें क्या नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, दीदी बात करें गेन नहीं कर पाते हो। तो उस रोटी में तो कितनी एनर्जी थी भाई साहब, 40 किलो कैलोरी की, लेकिन आपको गुलू मिली कितनी केवल बेटा, 20 की या 30 की जितनी मिली, तो बताओ गुलू बात करें एनर्जी तो आपकी बढ़ी लेकिन क्या उतनी बढ़ी दीदी जो रोटी में थी, नहीं बढ़ी। सोच पा रहे, तो यही गुड़ी बात करें कंडीशंस होती है, मतलब गिविंग चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते गुड़ी बात करें ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। सोच पा रहे, इस दीदी बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लाते हैं कैपेसिटर, मतलब एक दीदी बात करें क्या गुड़ी बात करें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसको गुड़ी बोलते हैं सी, मतलब क्यू बराबर क्या आ जाएगा बेटा बात करें सी भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा गुड़ी, सी यहाँ पर क्या है बताओ, सी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। कोई बेटा आपसे पूछे तो बताओ ये फॉर्मूला याद हुआ उसके लिए, अरे ये फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं याद हुआ बेटा, तो ये फॉर्मूला गुड़े आपको याद रखना है ठीक है। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछे बताओ बेटा सी क्या है, तो सी क्या है गुड़े बात करें एग्जैक्ट, यहाँ पे हर चीज पता चली, क्यू क्या है गिवन चार्ज, गुड़े भी क्या है ग्रोथ इन पोटेंशियल, दीदी बात करें इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल, और बेटा सी क्या है गुड़े बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, याद रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शियो नेरिटी कॉन्स्टेंट, याद रहे तो उसके लिए रहेगा कॉन्स्टेंट, मतलब सीधे समानुपाती स्थिरांक, या दीदी इसी को दूसरा अपन बोल सकते हैं कैपेसिटी, क्या बोल सकते हैं बताओ कैपेसिटी ऑफ बेटू बात करें कैपेसिटर या कंडक्टर, याद रहेगा दोस्त, कैपेसिटी नहीं बोलना दीदी तो बोल सकते हो कैपेसिटेंस, क्या बोल सकते हो बताओ बेटू बात करें कैपेसिटेंस, समझ में आ रहा है कि आ रहा है बुढ़े बात करें कैपेसिटेंस ऑफ बेटू बात करें क्या कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, समझ पा रही बुढ़े बात करें, किसी को दीदी बात कर कुछ ही बोल सकते हो सी को, ये सब सी ही है ठीक है, मतलब गुड़े बात करें सी है। अब जरा बोलो आपसे कोई पूछे बताओ बेटा सी का फॉर्मूला क्या है, सी क्या है यहाँ पर, तो बस सी का फॉर्मूला क्या लिखे बताओ बोलो, सी बराबर क्या आएगा क्यू बाई वी, सोच पा रहे बोलो। अब बताओ बेटा बात करें पूछे बताओ सी किस पर डिपेंड करता है, सी किस पर डिपेंड करता है, सी बोलो बात कर बताओ सी बढ़ेगा कब बढ़ेगा, क्या फिर से बोलो एक बार, जब वी कम होगा एग्जैक्ट, और क्यू बढ़ेगा तो, बहुत अच्छे, सी कब बढ़ेगा जब क्यू बढ़ेगा, बहुत अच्छे, चार्ज बढ़ेगा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
दादा तुम्हें पता है क्यू डायरेक्शनल टू भी के है, अगर क्यू बढ़ाओगे ना तो भी बढ़ेगा। दिमाग में जा रहा कुछ? अगर क्यू बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, और क्यू बढ़ाओगे तो सी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा तो सी कम होगा। मतलब दीदी बात करे सी डज नॉट डिपेंड ऑन गुड़िया बात करे क्यू एंड भी। समझ पा रहे हो? हर चीज जो फॉर्मूले में दिखती है वो होती नहीं, इसलिए मैं तुमसे बताया कि क्यू डायरेक्शनल भी के, अगर क्यू बढ़ाओगे ना तुम तो भी ऑटोमेटिकली सिस्टम का बढ़ जाएगा, और अगर भी बढ़ेगा तो सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको लग रहा है फॉर्मूले से कि सर ऊपर वाली बढ़ाओ तो ये बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हो? लेकिन तुम्हें पता ये होना चाहिए क्यू डायरेक्शनल टू भी है, अगर तुम क्यू बढ़ाओगे तो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दीदी बात कर तो सिस्टम में गुड़े बात के सी क्या रहेगा, जो है वो वही का वही रहेगा। और कॉन्स्टेंट कब से बढ़ाने लगे दादा? क्यू बढ़ा दोगे सी बढ़ने लगा, भी बढ़ा दोगे सी बढ़ने लगा, कॉन्स्टेंट कब से बढ़ने लगा? यहाँ पे इसके पहले मैंने लिखा था, इसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछा और तुमने एक मिनट के अंदर दीदी बात के, एक मिनट नहीं हुआ होगा उसमें मैं क्वेश्चन तुमने निपटा दिया। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट तेरे पढ़ो इसको, इसमें देखिए इंटरेस्ट लो, आएगा सब कुछ। सी बराबर क्या है? क्यू बाय बी, ये फॉर्मूला है, समझ पा रहे? बी क्या है? ग्रोथ इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू क्या है? चार्ज गिवन चार्ज। सी क्या है? कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, डिड यू बात कर रहे, समझ पा रहे हो? ये है, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है? अब जरा गुरु बात करें कुछ बाढ़ पे आते बेटा, सी क्यू पे जनरल पॉइंट अपन कुछ लिखते हैं, सी के बारे में पता चला कुछ? जरा देखो बुढ़िया बात करें, सी के बारे में बात करें, सी के बेटे बात करें, हमारे पास पूछो तो ये कैसी क्वांटिटी बेटू? एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? स्केलर मतलब बुढ़िया बात करें बताए, डायरेक्शन लेस, सोच पा रहे बेटा? केवल मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है? चलो बुढ़िया बात करें, कोई आपसे पूछे बताओ बेटू किस पे डिपेंड करती है? हाँ कि ना, द डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, बुढ़िया बात करें डिपेंडेंस किसके ऊपर है? नेचर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा दोस्त? अभी क्या बोला था, साइज बड़ा है बेटा तो ज्यादा चार्ज लेगा, ज्यादा स्टूडेंट हो जाएगी, साइज छोटा है तो कम आएगा, दीदी बात क्या सोच पा रहे? और गुड़े बात करें से, आपको पता है गुड़े अगर नुकीला ऑब्जेक्ट होता तो उसके बेटा बात करें कॉर्नर पे क्या होता है, ज्यादा चार्ज स्टोर होता है, सोच पा रहे? तो कंडीशन मांगे चल के अभी आपको नॉलेज आता जाएगा, गुड़िया क्यू और भी पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, सोच पा रहे? अब ये द्वारा मत बोल देना कि क्यू पे डिपेंड करेगा और भी पे डिपेंड करेगा, एक क्यू बढ़ा के सी को बढ़ा रहा है, एक भी कम को करके सी को बढ़ा रहा है। कैसी कैसी बच्चे हैं मुझे बताओ, कितने प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे। तो बताओ मुझे बात करें अपन क्या बोलेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? दीदी बात, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटू बात करें, जल्दी बोलो बेकूफो, साइज एंड दीदी बात करें शेप, क्या बोलोगे? साइज एंड शेप ऑफ बॉडी, बहुत अच्छे दोस्त, ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, याद रहेगा दीदी? बहुत अच्छे, मतलब दीदी ऑब्जेक्ट या कैपेसिटर या कंडक्टर की दीदी किस पे डिपेंड करेगा? बॉडी मतलब कौन सी बॉडी है? कंडक्टर, याद रहेगा दोस्त? या कैपेसिटर बोलो, कंडक्टर, ओके। तो कंडक्टर की बात कर किस पे डिपेंड करेगा? साइज पर और शेप पर, बस याद रखना, नॉट डिपेंड ऑन भैया, नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू एंड वी, प्लीज, है ना? उम्मीद करते हैं कि आप गलत नहीं करोगे, क्यू और भी पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? चलो दोस्त, कांस्टेंट कभी डिपेंड नहीं करेगा दीदी, ठीक है? आगे आओ, जरा गुड़े बात करें, अब आपसे पूछे बताओ फॉर्मूला बोलो दोस्त, फॉर्मूला बोलो, याद है बेटा फॉर्मूला क्या है बताओ गुरु? सी का क्या है? सी बराबर क्यू बाय वी, बहुत अच्छी, चलो गुड़े बात करें, फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट गुरु आपसे पूछता है बेटा बात करें क्या, नेक्स्ट आपसे पूछता है डायमेंशन फॉर्मूला, क्या पूछेगा बोलो? डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा, याद है दोस्त? डायमेंशन फॉर्मूला क्या, कैसे निकालोगे बोलो बताओ जी? हाँ, डायमेंशन फॉर्मूला जैसे दीदी कह रही है कि m माइनस वन जी, l माइनस टू, दीदी बात कर t फोर a टू, जिनको ये याद है ना बहुत अच्छे, जिनको याद नहीं है आ जाएगा, सोच पा रहे? आ जाएगा, बुढ़िया बात करें, अब अपन किसकी बात करें ये भी निकाल के दिखा दीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है? बुढ़िया बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें बोलू, चलो इसका आता है आपको क्या? इसका आता है बताओ बोलिए, क्यू का क्या होता है? क्यू क्या होता है? याद है आई टी, याद है दोस्त? बताओ बोलू बात के भी क्या होता है? डब्ल्यू बाय क्यू, याद है दोस्त? और क्यू बोलू अगेन क्या होता है बेटा? याद है ना, क्यू को फिर से क्या लिखोगे दोस्त? आई टी तो लिखोगे, आई इंटू टू, चार्ज क्या होता है? करेंट इंटू टाइम होता है दोस्त, नहीं होता है? बताओ बोलू ये आई टी ऊपर पहुंच जाएगा, अरे जाएगा दोस्त?
तो क्या आ जाएगा बताओ गुरु, आई स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर दीदी बात करे क्या टी स्क्वायर, ठीक है अपन क्या जाएगा बताओ गुड़िया, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है वर्क, वर्क एनर्जी, सोच पा रहे दोस्त, तो बताओ गुरु बात करे बेटा वर्क का क्या होता है, बोलो आई मतलब करंट का क्या होता है एम्पियर, मतलब ए स्क्वायर, और बेटा टाइम का क्या होता है टी, मतलब टी स्क्वायर, बेटा बात कर डब्ल्यू एनर्जी का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू, प्लीज दीदी बात को उठा के ले जाओ गुरु बात कर, एम कहाँ पहुंचेगा ऊपर एम माइनस वन, एल कहाँ पहुंचेगा ऊपर एल माइनस टू, टी माइनस टू है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, टी टू क्या हो गया टी फोर और ए टू, वही आ गया, सोच पा रहे अंग गुरु बनाते बेटा किसके ऊपर, आगे अपन आते गोलू बात करें किसके ऊपर यूनिट के ऊपर, ऐसा यूनिट गोलू बात करें क्या होती है यूनिट, बताओ गोलू बात करें इसकी यूनिट, यूनिट के बारे में बताओ जरा बेटा बात करें, ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्त, ऐसा यूनिट गुड़िया बात करें, हाँ फेराड भी आप बोल सकते हो, फेराड नहीं फेराड, सोच पा रहे हो गुड़िया बात करें, और दूसरी अपन बोलना चाहे गोलू तो क्या बोल सकते बेटा बात करें, ये साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है, सोच पा रहे, लेकिन दीदी अगर अपन फॉर्मूले कहते हैं बोले तो क्या बोले कूलम पर वोल्ट, क्या बोलोगे दोस्त कूलम पर बोल्ट, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है, तो कूलम पर बोल्ट गोलू बात करें, अब जरा गोलू वो देखना चाहे बेटा सीजीएस लिख लो, क्या लिखो गोलू बताओ सीजीएस, हाँ कि ना सीजीएस बताओ गोलू क्या आएगा स्टेट फेरेड, क्या आएगा दोस्त स्टेट फेरेड, यह गुड़िया बात करें अपन क्या बोल सकते हैं स्टेट, दीदी बात करें कूलम, हाँ कि ना अपन क्या बोलेंगे बेटू स्टेट बोल्ट, आएगा दोस्त की नहीं आएगा, तो ये गुड़िया बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा CGS में गुड़ी यूनिट आएगा, लेकिन कोई आपसे पूछेगा बेटा बात करें क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी हमें, दीदी बात करें व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दीदी वन फेरेड, हाँ कि ना इनटू गुड़िया बात करें स्टेट फेरेड, एक दीदी फेरेड की वैल्यू स्टेट फेरेड में कितनी होती है तो बताना पड़ेगा आपको, वैसे गुड़िया बात करें जिनको पता है जैसे हमने पढ़ा है तो उनको सीधा याद होगा गुड़िया बात करें कि कितना होता है 9 × 10^11, लेकिन दोस्त आपको नहीं पता, आप बोलोगे कि मुझे तो बताओ, बताना तो पड़ेगा गुड़िया बात करें, तो आपको दिखा देते दोस्त, ठीक है यहाँ पे देखो गुल्लू बात करें, अगर देखें बेटा अपन वन दीदी बात कर फेरेड, वन फेरेड मतलब क्या दोस्त वन कूलम पर वोल्ट, क्योंकि देखा ना गुरु आपने देखा बेटा जो फेरेड वही तो क्या है कूलम पर वोल्ट है, तो चाहे दीदी बात करें अपन उसको क्या बोल सकते हैं वन फेरेड बोलो, चाहे उसको क्या बोल सकते हैं वन कूलम अपॉन वन वोल्ट बोलो, सोच पा रहे दीदी बात करें ये कितने दीदी बात करें किसके बराबर है स्टेट फेरेड के बराबर है, या दीदी उसको बोल सकते हैं क्या कितने दीदी बात करें कितने क्या स्टेट कूलम अपॉन बेटा क्या स्टेट वोल्ट के बराबर है, पता है कि नहीं दोस्त, अब आपको पता है गुड़िया बात करें क्या पता है दोस्त जी, एक मिनट आपको बहुत अच्छे से पता है गुड़िया बात करें, आपको देखो ये चीजें हमेशा के लिए याद रख लो, गुड़िया बात करें वन बोल्ट इसको टू वन अपॉन 300 स्टेट बोल्ट, एक चीज दीदी बात करें वन कूलम वन कूलम इसको टू गुड़े बात करें 3 × 10^9 कितने 3 9 स्टेट दीदी बात करें कितनी प्यारी बात की आपने स्टेट कूलम, कोई आपसे पूछे बेटू बताओ वन गुड़िया बात करें हमारे पास एम्पियर वन एम्पियर मतलब करंट गुरु बात करें वन बेटा एम्पियर इसको टू हाउ मेनी स्टेट एम्पियर कितने चलिए बोलो गुरु बात करें एग्जैक्ट इतना ही 3 × 10^9 स्टेट एम्पियर, कोई पूछे बेटा बात करे बताओ गोलू वन गोलू बात करे क्या वन क्या दीदी ओम देख रहे आपको वन दीदी बात करे ओम ओम मींस क्या है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दीदी प्रतिरोध की इकाई वन ओम इज इक्वल टू बात करे हाउ मेनी स्टेट दीदी बात करे ओम ये मैंने आपको पहले पढ़ाए थे है कि नहीं पढ़ाए थे ना गुड़े बात करे तो बताओ वन ओम इसको स्टूडे बताओ कितना जाएगा आपको पता दीदी बात करे वन अपॉन गुड़े 9 × 10^11 दीदी बात करे 11 स्टेट ओम आ रहा कि नहीं आ रहा अरे दोस्त अब जरा खुद देख लो बोलू बेटा एक कूलम बराबर कितने स्टेट कूलम में बोलू एक कूलम बराबर एग्जैक्ट तो अपन क्या लिखेंगे 3 × 10^9 अपॉन दीदी बात करें वन स्टेट बोल्ट देखो वन बोल्ट बराबर कितने स्टेट बोल्ट होता है तो दीदी वन बोल्ट बराबर 1/300 मतलब क्या लिखेंगे 1/300 अब थर्ड स्टेप पहुंच कहां पहुंच जाएगा बेटा फर्स्ट स्टेप पर आ जाएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुड़े 3 × 9 0 पहले 2 0 हो रहा है 10^11 हो गया और 3 × 2 3 करोगे 9 तो कितना आ गया दोस्तों 9 × 10^11 स्टेट फेरेड आ जाएगा दोस्त की नहीं आ जाएगा कोई आपसे पूछे गुड़िया बात करे बताओ कि 1 फेरेड इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टेट फेरेड
1 फैराड इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 11 स्ट्रेट फैराड, 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू पूरे बात कर 9 इंटू 10 की पावर 11 स्ट्रेट कूलम पर स्ट्रेट वोल्ट, हो जाएगा नहीं हो पाएगा, बता सकते नहीं बता सकते, तुम सांस छोड़ रहे हो, मैं इतनी शिद्दत से सांस तक नहीं ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तुम सांस छोड़ने पर लगे हुए हो, ये बातें क्यों कर रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं आएगा तो फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा, इसलिए उस चीज को याद कर लो अभी के अभी, है ना। कुछ लोग इसलिए बैठते क्लास में कि इनको घर ले जाएंगे, फिर घर जाके हम इनको पढ़ेंगे, यहां थोड़ी ना केवल पढ़ने के लिए बैठे, यहां तो लिखने के लिए बैठे हो, तो कैपेसिटेंस दीदी बात करे क्या होती, समझ में बेटी नहीं आया, ये दीदी बात करे बेसिक है, तुम्हें किस तरीके से फिजिक्स आनी चाहिए, और आपने देखा बेटा कि पेपर का लेवल बहुत गिर गया, समझ पा रहे, तुमसे कहीं भी कोई भी चीज पूछ सकता है, समझ में आ रहा है, तो कोई दीदी बात करे पीएमटी फिक्स नहीं है, इसका मतलब तुम्हें हर चीज आनी चाहिए, हो पाएगा बेटा कि नहीं हो पाएगा, इनको गुड़िया बात करे क्या करो, गुड करो फटाफट, प्लीज दीदी बात करे बहुत अच्छे से नोट करो, करो नोट इनको, चलो स्टार्ट करें दोस्तों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर प्लेट संधारित, है ना दोस्त, तो पैरेलल प्लेट दीदी बात करें कैपेसिटर की बात करेंगे, समानांतर प्लेट संधारित, दीदी क्या है समानांतर प्लेट संधारित की बात करें, मतलब प्लेट दीदी एक दूसरे कैसे लेने, उनको पैरेलल लेनी है, लेकिन दीदी प्लेट आप पे डिपेंड करती है, आप कैसे ले सकते हो उसको सर्कुलर ले लो, आप दीदी कैसा ले सकते हो उसको रेक्टेंगुलर ले सकते हो, आप दीदी कैसा ले सकते हो उसको स्क्वायर ले सकते हो, दीदी बात करें जो भी लेना है दीदी बात करें स्फेरिकल ले लो, जैसा दीदी बात कर दिल करे वैसा ले लो, बस आपको क्या लेनी, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, तो हाँ कि ना, तो अपन दीदी बात कर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको तीन चीजें देखनी है पैरेलल प्लेट में, ठीक है, सबसे पहले अगर अपनी बात करें दोस्त, हमारे पास एक प्लेट दीदी बात करिए है, एक प्लेट गुड़िया बात करी ये, एक प्लेट ये दिख रहा है आपको दोस्त, थोड़ा सा और दीदी अपन आगे बनाते हैं, एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट गुड़िया बात करी है, इसलिए दीदी हमेशा याद रखना आपको बेटू, जो चार्ज होता है ना, क्या होता है गुड़िया, चार्ज, सोच पा रहे, चार्ज हमेशा गुड़िया बात करें प्लेट की कहां होता है, इनर सरफेस पर स्टोर होता है, आप दीदी बात करें एक प्लेट को चार्ज दे दो, समझ पा रहे, एक प्लेट है बेटू, दीदी बात करें इनका, बेटू बात करने क्या बोला, जो ओवरलैपिंग एरिया दीदी बात करें, समझ पा रहे, मतलब ए एरिया की है, इसका भी बेटा एरिया कितना दीदी, ए एरिया है, कितना बेटा इनका, तो गुड़े बात करें हमारे पास इनका क्षेत्रफल कितना बताओ, गुड़े बात करें ए है, सोच पा रहे, ए क्षेत्रफल की गुड़े बात कर दो प्लेटें ली आपने, ए दीदी बात कर दिया कि दो प्लेटें ली, सोच पा रहे, इनके बीच की दूरी गुड़े बात करें कितनी है, और हमेशा याद रखना हम गुड़े बात के जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो इनर टू इनर सरफेस से करते हैं, ना कि आउटर टू आउटर, क्योंकि आपको पता है गुड़े बात कर हमें इनर सरफेस की बात करनी है, ताकि अंदर वाले रीजन में ही तो चार्ज स्टोर होता है, सोच पा रहे दोस्त, तो हमें दीदी बाहर की सरफेस से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कहां से लेने गुड़े बात करें, इनर सरफेस टू इनर सरफेस, वो डी क्या है गुड़े बताओ, स्मॉल डिस्टेंस, हम इनको काफी पास रखते ज्यादा दूर नहीं रखते, सोच पा रहे गुड़े बात करें, तो ए इनका दीदी क्षेत्रफल एरिया है, डी गुड़े बात करें दोनों इनर दोनों प्लेटों के इनर सरफेस के बीच की दूरी है, ठीक गुड़े बात करें, और दोनों गुड़े बात करें हमारे पास इन प्लेटों के युग्म को, जिनको गुड़े बात करें आप एक प्लेट को चार्ज दे दो, माने गुड़े इसको अपने क्या दिया बेटू बात करें, क्यू चार्ज दिया, दीदी बताओ कितना प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है, ये क्यू क्या है गुड़े बताओ, गिवन चार्ज, क्या है बेटू ये गिवन चार्ज, अगर बेटू बात करें इसको मैं गिवन चार्ज देता हूँ, ठीक है, अब दीदी ये डिपेंड इस पे भी तो करेगा कि एरिया कितना है, कितना ये चार्ज ले सकती है, सोच पा रहे दोस्त, तो अपन इसको बोलू कितना चार्ज दिए, क्यू चार्ज, और क्यू चार्ज बेटा बात कर जैसे दोगे वो बोलू कहां स्टोर हो जाएगा बेटा बात कर, हमेशा प्लेट की इनर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर दीदी बात करें चार्ज होता है जीरो, इसको याद रखना, टोटल दीदी बात कर जो चार्ज आप देते हो कैपेसिटर को वो बेटा बात करें केवल केवल कहां स्टोर होता है बेटा, उसकी इनर सरफेस पर होता है, आउटर सरफेस पर चार्ज कितना होता है जीरो, इसलिए कोई चार्ज नहीं दिखा, ये याद रखना दीदी, अगर बेटू एक प्लेट को हम क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो दूसरी प्लेट पे गुड़िया बात करें ड्यू टू इंडक्शन, किसकी वजह से बेटा बात करें, प्रेरण की वजह से गुड़िया खुद ब खुद चार्ज हो जाता है, क्योंकि अगर कंडक्टर है तो गुड़िया इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और गुड़िया बात के इसके अंदर क्या प्रोटॉन भी है, याद है आपको दोस्त, इलेक्ट्रॉन मतलब गुड़िया बात के सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है बताओ इस पॉजिटिव पर अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे, तो वो गुड़िया बात करें कहां जाएंगे बताओ, इनर सरफेस पर, अंदर आपको पता है दीदी बात करें कुछ है नहीं इसके अंदर, तो वो गुड़िया बात करें इलेक्ट्रॉन इधर तो पहुंच नहीं पाएंगे इसके ऊपर, पर कोशिश करेंगे कि दीदी इस पॉजिटिव चार्ज तक पहुंच जाए, तो कंडीशन गुड़े बात करें यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज गुड़े बात करें फर्स्ट प्लेट पर होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज गुड़े बात करें किस पे आ जाता है, दूसरी प्लेट पर आ जाता है, अब गुड़े सोचो कि इस प्लेट यहाँ पे ये जो चार्ज आया वो किसकी वजह से आया, इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन का मतलब समझते हो, अगर एक ऑब्जेक्ट को दीदी अपन ने बात करें कितना दिया प्लस 5 कूलम चार्ज दिया, सोच पा रहे दोस्त,
तो गुरु अगर दूसरा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है बेटा, तो इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो गुरु बात करें सरक के कहां आएंगे दीदी, इन पॉजिटिव जाने की कोशिश करेंगे, सोच पा रहे हो? तो इसका मतलब गुड़िया बात करें वो नेगेटिव कहां जनरेट हो जाएंगे बेटा, दिख रहा है गुड़िया? गुड़िया बात करें कहां से, क्लोजिंग सरफेस पर, इनर सरफेस का मतलब क्लोज वाली सरफेस पर, ये कोशिश करें कि पॉजिटिव पे पहुंच जाए। तो मतलब गुड़िया बात करें ये सारे के सारे पहले जैसे इसमें गुड़िया बात यूनिफॉर्मली पॉजिटिव का डिस्ट्रीब्यूट था, वैसे यहां भी नेगेटिव तो डिस्ट्रीब्यूट थे कि नहीं गुरु? अगर सोचो बेटा इस तरफ की पॉजिटिव अगर नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे, सोच पा रहे मतलब यहां पे क्या पैदा हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव पैदा होगा तो उसके नहीं होगा। अब इस पॉजिटिव को दीदी हमें क्या करना है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दीदी बात करें नेगेटिव बनाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना है, इस वाली सर्फिस को मैं अर्थिंग कर दूं, क्या कर दूं गुड़िया? अर्थिंग। अर्थिंग करोगे गुड़िया बात में तो यहाँ पे रियल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आकर के बेटा बात करें इस पॉजिटिव चार्ज को क्यों क्या कर देंगे, न्यूट्रल, क्या कर देंगे, और उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे गुड़िया बात करें जितना यहाँ पॉजिटिव हो, टोटल प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। रियल में बोलो ये होता है, इलेक्ट्रॉन आते बेटा अर्थ से, कौन आते, इलेक्ट्रॉन। लेकिन गुड़िया बात करें आपकी बुक क्या बोलती है कि जो पॉजिटिव चार्ज वो कहां चला जाता है, वो अर्थ में चला जाता है। सोचो पॉजिटिव चार्ज तो दीदी बात करें एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये कभी जा सकते क्या, नहीं। हाँ इनकी कमी को दीदी भरपाई कर सकता है इलेक्ट्रॉन, मतलब रियल में दीदी बात करें चलने की टेंडेंसी किसमें, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन दीदी आकर के उतने ही आएंगे जितने यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा आए तो ये नेगेटिव उसको रिपल मानेगी नहीं मानेगी, सोच पा रहे हो? तो गुड़िया बात कर अपने क्या कर दिया, जैसे दीदी पांच करें पांच हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए दीदी, ये पॉजिटिव न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा बताओ, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। और फिर दीदी बात कर जल्दी से इसको क्या करो, अर्थिंग हटा दो। अब अर्थिंग आपने हटा दी गुड़िया बात करें, अब अगर इस बॉडी को पॉजिटिव बॉडी को यहाँ से हटा भी दोगे ना तो बताओ नेगेटिव तो दीदी बताए बचाए कि नहीं बचाए, अभी नेगेटिव क्या हो जाएगा पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी हम क्या बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, सोच पा रहे हो? मैंने आपसे ये कहा कि अगर बिटू बात करें आप एक पॉजिटिव दीदी बात एक ऑब्जेक्ट पहले न्यूट्रल ये भी था, इसको अपना पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज कहां स्टोर हो जाता है बात करें इनर सरफेस पर, इनर सरफेस पे क्यों हुआ दीदी बात करें इस ऑब्जेक्ट को अपने टोटल पॉजिटिव, पहले अभी देखो इसको जरा कंडीशन देखने की कोशिश करो, इंडक्शन क्या है इस बॉडी में बोलू बात कर, देखो बेटा हमने बोलू बोलू बोला कि पांच पॉजिटिव है, दिख रहा है दोस्त, तो डेफिनेटली पांच नेगेटिव भी होंगे या चार पॉजिटिव चार नेगेटिव भी होंगे, तभी तो न्यूट्रल दिख रहा है आपको। मैंने बोले इसको एक्स्ट्रा दे दिया बिटू बात कर, पता है प्लस क्यू कूलम चार्ज, प्लस क्यू का मतलब बोलू जानते हो, पांच कूलम चार्ज दिया प्लस का, तो बताओ बोलू प्लस के पांच कूलम आ जाएंगे, पांच कूलम दिया प्लस के पांच कूलम, और बोलू बात करें क्या होंगे बेटा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे ही गुड़िया तुम इसके पास एक कैसी बॉडी देखी, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी का मतलब जानते हो गुड़िया बात करें, न्यूट्रल बॉडी का मतलब इसमें भी दीदी बात करें जितने प्लस थे दिख रहा दोस्त, जितने प्लस थे उतने क्या थे गुड़िया बात करें माइनस थे, जितने प्लस थे उतने क्या थे दीदी माइनस थे, कुछ समझ में आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा। अब कंडीशन क्या है दीदी बात करें कि जैसे ही दीदी बात करें ये बॉडी हो चुकी गुरु बात करें क्या टोटल पॉजिटिव चार्ज, पर ये अभी न्यूट्रल है। अब गुरु बात करें जैसे ये पॉजिटिव गुरु बात करें दिखेंगे इनको, तो बताओ इनमें से इन पॉजिटिव अट्रैक्ट कौन होगा, ये नेगेटिव, सोच पा रहे दोस्त? तो ये नेगेटिव सरक सरक के गुरु कहां आएंगे बेटा, दिख रहा तुम्हें दोस्त, ये कहां जाएंगे क्लोजर सरफेस पर, सोच पा रहे? तो डेफिनेटली गुड़िया बात करें ये जो हमारे पास पॉजिटिव वो कहां सरक जाएंगे, अपोजिट सरफेस पर, क्योंकि इन पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल होंगे कि नहीं होंगे, इन पॉजिटिव से ये पॉजिटिव क्या होंगे रिपेल, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव कहां खसक जाएंगे दोस्त, दिख रहा है गुरु बात करें दूसरी सरफेस पर, नहीं दिख रहा दोस्त, अरे दिखा कि नहीं दिखा, तो गुरु बात करें दूसरी सरफेस पर खसक जाएंगे और दूर से दूर जाने की कोशिश करेंगे कि रिपेल करेगा। अब ये दीदी पॉजिटिव इससे क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे, तो गुरु बात की ये जो पॉजिटिव है गुरु बात के वो सरक सरक के कहां आएंगे बताओ, इस वाली सरफेस पे आएंगे दोस्त नहीं आएंगे, नहीं आ रहा है। तो ये पॉजिटिव बेटा बात करें इन नेगेटिव से अट्रैक्ट होते, तो ये गुड़िया कोशिश करते कि नेगेटिव के पास आए और ये नेगेटिव कोशिश करते इन पॉजिटिव के पास आए, सोच पा रहे दोस्त कि नहीं आ रहा है। और गुड़िया बात करें ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को रिपेल करते हैं, सोच पाए, तो ये पॉजिटिव गुड़िया दूर जाते हैं। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, अर्थिंग, क्या कर दो अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब क्या है गुरु बात करें जमीन से जोड़ दिया, तो जमीन से गुड़िया बात करें बुक क्या बोलती है कि जो पॉजिटिव वो कहां चले जाएंगे सारे के सारे दीदी बात करें अर्थ में। अब बताओ पॉजिटिव चले गए गुरु तो नेगेटिव बचे कि नहीं बचे, अरे नेगेटिव ही तो बचा आप टोटल, समझ पा रहे अल्टीमेटली गुड़िया बात ऑब्जेक्ट कैसा होगा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, होता है क्या दीदी बात करें जितने पॉजिटिव है गुड़िया बात करें उतने ही कौन आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन आते हैं, बुक बोलती है पॉजिटिव नीचे जाते हैं, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं, और इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें बताओ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव नहीं होंगे, तो बताओ गुड़िया जितने पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन आकर अल्टीमेटली क्या न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा, मतलब ये एंड और जिसको बिटू हटा दो, तो बताओ ये एंड दीदी कैसा हो गया न्यूट्रल। अब बताओ गुरु बात करें समझ में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है ये ऑब्जेक्ट दीदी बात करें अल्टीमेटली तुम्हें कैसा दिखेगा, प्लस माइनस न्यूट्रल प्लस माइनस न्यूट्रल प्लस माइनस न्यूट्रल प्लस माइनस न्यूट्रल, दीदी बताओ रिजल्टेंट कौन है नेगेटिव, आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्त, क्वेश्चन समझ में आया गुड़िया बात करें। अब अगर गुरु इस ऑब्जेक्ट को अपने हटा दिया यहाँ से क्या कर दिया हटा दिया, तो अब बताओ गुड़िया नेगेटिव नेगेटिव रिवर्स घरेगा कि नहीं घरेगा दीदी बात करें, तो अभी एक दूसरे से क्या जाएंगे दूर हो जाएंगे, तो गुड़िया बात करें अब यही बेटू बात करें क्या होंगे जो पांच के नेगेटिव है गुड़िया बात करें वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया नेगेटिवली चार्ज हो गया, सोच पा रियल में ये होता है दोस्त, रियल में ऐसा होता है, इसको बन बोलते हैं इंडक्शन, क्या बोलते हैं गुड़िया इंडक्शन, मतलब प्रेरण की वजह से इसका नेगेटिव यहां सरक किया जाता है। तो दीदी बात करें होता है क्या है कि बेटा एक बॉडी को दीदी अगर आप प्लस क्यू चार्ज देते हो तो दूसरी बॉडी के
इनर सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज जुड़े बात करें क्या होता है, जनरेट हो जाता है। आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरी प्लेट को चार्ज देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये कह रहा था बेटा इंडक्शन। अभी इसकी बात अपन डिटेल में और आगे करेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जितना दीदी बात करे इसके ऊपर बताओ कितना प्लस दिया दोस्त, प्लस क्यू। तो इसकी इनर सरफेस पे कितना आएगा दोस्त, माइनस क्यू आया दोस्त, नहीं आया। बुरे बात करें बताओ आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है, जीरो। आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है, जीरो। सोच पा रहे, और जहां दोस्त चार्ज नहीं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ पा रहे, जहां चार्ज नहीं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बारे में दीदी बनाएंगे बताते बुढ़े, ठीक है। तो आपने क्या पूछे बताओ बेटू, बात करें कैपेसिटर क्या होता है, और आपने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका मतलब बुढ़े बात करें कैपेसिटर जो है वो दीदी बात करें दो इक्वल अपोजिटली चार्ज्ड दीदी बात करें प्लेट के बुढ़े बात करें मिलने से बना है। तो उनसे कोई पूछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दीदी बात करें पेयर और सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट, समझ पा रहे आ जाएगी नहीं आ जाएगा, नोट करना स्टार्ट करो, लिखो बेटा बात कर, लिखो जल्दी बुढ़े बात कर, सबसे पहले पहली लाइन लिखो, लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या, लिखो दीदी बात कर, इट इज अ पेयर और सिस्टम, दीदी या तो युग्म बोल दो या सिस्टम बोल दो, पूरा का पूरा है कि नहीं बेटू, बोल सकते, इट इज अ पेयर और सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड, इट इज अ पेयर और सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, हाँ कि ना, अरे हुआ कि नहीं हुआ, इसको बुढ़े बताओ जो क्यू चार्ज है वो आपने दिया है कि नहीं दिया है, दिया है कि नहीं, और इसको दीदी लिखो बेटा बात करें, यह है देखो सामान्यतः प्लेट संधारित्र क्या होता है, लिखो यह है दो, यह दो बराबर तथा विपरीत आवेशित, यह दो बराबर तथा विपरीत आवेशित प्लेटों का, प्लेटों को बोलते पट्टी का बोलते कि नहीं बोलते, तो प्लेटों का युग्म या तंत्र होता है, युग्म या तंत्र होता है। तो बताओ गुड़े इसको अपने क्यू चार्ज क्या किया है, दिया है, और इसके ऊपर बताओ दीदी कहां से आया बताओ गुड़े बात करें, जनरेट, जनरेट एग्जैक्ट बताओ गुड़े किसकी वजह से, ड्यू टू, बहुत अच्छे, तो दीदी लिखवाने की जरूरत नहीं है बताओ गुड़े बात करें, वेयर क्यू वन चार्ज गिवन टू वन प्लेट दीदी बात करें, हां कि ना, देन द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जनरेट गुड़े बात करें सरफेस टू अपोजिट अदर अनदर प्लेट हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत है क्या दोस्त, तो मुझे सीधे से बोल दिया कि मैंने वेयर गुड़े बात की क्यू वन चार्ज गिवन टू वन प्लेट एंड गुड़े बात करें सिमिलर एंड दीदी बात करें अपोजिट, ठीक है, चार्ज गुड़े बात करें जनरेट गुड़े बात करें एट अनदर प्लेट ड्यू टू इंडक्शन, आ जाएगी आ जाएगा, तो इंडक्शन की वजह से बेटू बात करें ड्यू टू इंडक्शन, व्हेन क्यू वन चार्ज गिवन टू वन प्लेट देन द सिमिलर एंड दीदी बात करें देन द सिमिलर मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जनरेट टू इनर सरफेस ऑफ दूसरी प्लेट पर उतना ही चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जरा गुड़िया देखते हैं ये आया कि नहीं आया। अगर अपन गुड़िया बात करें दूसरा पॉइंट की बात करें कि आपसे कोई पूछे बताओ गुड़िया बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ प्लेट के बाहर कितनी है दीदी, इस प्लेट के अंदर कितनी है, इस प्लेट की दीदी बात का बाहर कितनी है, तो मैं यहाँ पे तीन पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ गुड़िया बात जो आपसे क्वेश्चन पूछता है नीट में। पॉइंट ए दीदी बात करें, सोच पा रहे दोस्त, दीदी बात करें ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया जिसको अपने बोले गुड़े बात करें पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट दीदी सिलेक्ट किया जिसको अपने बोलते हैं पॉइंट सी। अब ये जरूर नहीं कि तुम इतने पास लो, तुम यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ यहाँ जहां लेना वहां लो दीदी, तुम यहाँ लो इसके करीब लो, इधर लो उधर लो, कहीं भी लो, तुम इसको दीदी यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ जहां तुम्हारा दिल करे वहां ले लो, प्लेट के बाहर मतलब बाहर और प्लेट के अंदर मतलब अंदर, कहीं भी दीदी बात करें, कहीं भी एनीवेयर, समझ पा रहे, जहां तुम्हारा दीदी बात कर दिल करे। अब कोई पूछे बेटा बताओ बोलो इस प्लेट के ऊपर मतलब इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होगा। सबसे पहली गुड़िया बात का अपन देखते हैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है गुड़िया बात करें, अगर पर यूनिट लेंथ पे दीदी चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, लिनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे बेटा अपने बोलो बोला कि हमारे पास एक लंबाई पर एक तार है, तार की दीदी बताओ एल लेंथ है, एल लेंथ पे दीदी क्यू चार्ज जा रहा है, तो उसको अपने बोलो लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, अरे यार तो उसके नहीं आ रहा है, लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा क्यू बाय एल, अरे यार नहीं आ रहा दीदी क्यू बाय एल, ये क्या होगा बताओ दीदी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहाँ तो एरिया है ना बेटू, तो अपन एरिया के लिए अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया बात करें, हाँ बिल्कुल, जैसे गुड़िया कोई आपसे पूछे बताओ एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया या एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया
एरिया चार्ज डेंसिटी को अपन दीदी किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटू बात करें जरा बताओ यहां अपन कर दीदी सिग्मा से सिग्मा इज इक्वल टू बेटा बात करें क्या जाएगा दीदी बात करें क्यू वाई ए आ रहा है कि आ रहा है द चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट ऑन पायरोइड रेडियस कॉल्ड बेटू बात करें एरिया चार्ज डेंसिटी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली आवेश की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें पृष्ठ आवेश घनत्व समझ में आ रहा है कि नहीं पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल आवेश घनत्व बोल दो गुड़िया सोच पा रहे हैं सोच पा रहे तो गुड़िया बात करें सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू वाई ए सिग्मा को दीदी क्या समझना है और अलग अलग गुरु सिंपल सिंको अपन क्या कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे बिल्कुल बहुत अच्छे तो चलो गुड़िया बात क्या देखते हैं यहाँ पर ये कंडीशन है अब गुड़िया कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गुड़िया बात करें चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इसकी बात भी अपन करेंगे गुरु है ना थोड़ा सा डिटेल में ड्यू टू चार्ज सब आता जाएगा दी धीरे धीरे तो दीदी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया आपको निकालना है जिसको हम बोल सकते हैं ईएफ भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया मतलब विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से आवेश की वजह से कितना आवेश है बताओ गुड़िया बात करें क्यू आवेश हाँ क्या दोस्त कितना है दोस्त क्यू तो क्यू को भी वजह से निकाल लेंगे या गुड़िया अपन बोल सकते हैं हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से या एरिया चार्ज डेंसिटी की वजह से सरफेस मतलब एरिया ही तो है तो एरिया चार्ज डेंसिटी की वजह से बताओ बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी याद है ना दोस्तों आपको कितनी होती है जल्दी बोलो बोलो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट मैंने क्यू चार्ज की वजह से बोला या सिग्मा गुड़िया बात कर रहे हैं सोच पा रहे दोस्त एक प्लेट की वजह से अपन बात कर रहे हैं सोच पा रहे दोस्त एक प्लेट की वजह से कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गुड़िया बात कर हाँ कि ना चार्ज या चार्ज नहीं आपको दीदी बोलना है तो बोलो क्या ड्यू टू वन प्लेट बोल सकते दोस्त वन प्लेट की वजह से कितना आएगा दोस्त बताओ एक्सैक्ट गुड़िया बताओ ई इक्वल्स टू गुड़िया बात करें सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अब जरा दीदी यहाँ पे देखना अगर बेटू बात करें अपन तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड दीदी कैसे निकाली थी याद है इलेक्ट्रिक फील्ड दीदी बात करें इंटेंसिटी निकाली थी आपने एक्स डीएल और बेटा इक्वेटोरियल पे याद है तो इसका मतलब बुढ़िया बात के आपने क्या देखा था यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज माना था प्लस क्यू याद है दोस्त अब ये दीदी बात करें मतलब चार्ज बताओ ये प्लेट कैसी है पॉजिटिव चार्ज है तो ये दीदी बात करें प्लेट इसको क्या करेगी रिपेल मारेगी मतलब इसकी वजह से दीदी पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा इस तरफ जाएगा तो मतलब इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे दीदी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां जा रही है अवे फ्रॉम प्लेट फर्स्ट जा रही है ये प्लेट फर्स्ट है कि नहीं दोस्त तो ये प्लेट सेकंड है गुड़िया बात करें तो बताओ गुड़िया फर्स्ट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आ रही है बताओ बीटू बात करें अवे फ्रॉम दीदी बात करें प्लेट आ रही है अगर दूसरी गुड़िया बात के प्लेट क्या है नेगेटिव चार्ज है तो वो दीदी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी अरे करेगी नहीं करेगी दोस्तों बताओ इसकी वजह से गुड़िया बात करें चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बताओ ई2 आएगी अरे ई2 आएगी दीदी बात करें तो ई2 बताओ गुड़िया कहां आएगी टुवर्ड्स द प्लेट लेकिन पता है दीदी बात करें चलेगी किसकी ज्यादा इसकी चलेगी उसकी चलेगी ये तो देखो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या मतलब जितना दीदी बात करे ये इसको रिपेल मारेगा उतना इसको गुरु क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा सोच पा रहे बेट नहीं समझ में दोस्त तो इसका मतलब है गुड़िया बात करे कि रियल में यहाँ पे E1 E2 की वैल्यू क्या है गुरु बराबरी तो है दोस्त E1 E2 की वैल्यू जरा देखो बोलो इसकी वजह से कितना है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से भी कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब यहां डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता सोच पा रहे दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता तुम दीदी किसी भी पॉइंट पे चले जाओ दीदी बात करें 2 किलोमीटर दूर क्यों ना चले जाओ तो जितना दीदी बात की इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही क्या कर देगा मतलब जितना ये इसको रिपेयर करेगा उतना ही क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा मतलब गुड़िया बताओ नेट यहां पे कितनी आ जाएगी दोस्त दिख रहा है आपको E1 माइनस E2 इसको स्टू गुरु कितना आ रहा है सिमिलर V2 वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन अरे लिख लो भैया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की वैल्यू भी कितनी है दोस्त सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रिजल्टेंट कितना आ गया बेटा 0 मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दीदी बात करे ए पॉइंट पर कितना है तो अपन क्या बोलेंगे दोस्त 0 मतलब प्लेट के बाहर दीदी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0 कैपेसिटर के बाहर बेटा बात करें हमारे पास कोई पूछे कि बताओ दीदी बात करें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाहर इस बिंदु पर मतलब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना है 0 कितना गुड़िया बात करें 0 जैसा इस तरह भी दीदी वैसे तो इस तरफ गेम है बताओ गुड़िया बात करें अगर यहाँ पे बेटू बात करें आपको निकाले तो यहाँ पे मतलब टेस्ट चार्ज रखा होगा ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा दीदी इस तरफ क्या आएगा E1 आएगा और गुड़िया ये नेगेटिव उसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा मतलब गुड़िया बात करें इसकी वजह से क्या आएगा वो तो E2 आएगा पर दोनों की वैल्यू आपको पता है बराबर है कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो गुड़िया बात करें अगर कोई आपसे पूछे बताओ बेटू यहां भी E1 माइनस E2 करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा मतलब आपसे कोई पूछे बेटा बात करें बताओ बोलू कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सी पॉइंट पे कितना आ रही है 0 इसका मतलब एक पॉइंट कंफर्म हो गुड़िया बात करें द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़िया बात करें कहां पे
आउटसाइड द कैपेसिटर बेटा बात करें ऑल बेस क्या होगा जीरो होगा ऑल बेस जीरो होगा दीदी बात करें जैसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाहर निकलोगे विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है जीरो होता है किसी भी पॉइंट पे सोच पा रहे दीदी बात कर ठीक है अब गुरु बात नहीं जा रही यहाँ देखो गुरु बात करें हमें बीच वाले पॉइंट पे निकालना है आपको पता है गुरु इसका मतलब बेटा यहाँ भी आपने क्या रखा होगा डिस्चार्ज रखा होगा अब बताओ गुरु ये पॉजिटिव मतलब फर्स्ट प्लेट्स को क्या करेगी रिपेल मारेगी तो इसका मतलब गुरु इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगी ये आएगी तो उसकी नहीं आएगी अरे आएगी तो इसकी वजह से गुरु बताओ आपने निकाल दी क्या ई वन अब इसी दिन पॉजिटिव चार्ज को तो नेगेटिव क्या करेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा मतलब गुरु बताओ क्या आएगी ई टू की डायरेक्शन भी क्या आएगी इसी डायरेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी मतलब बेटा बात करें ये क्या आएगी बताओ गुरु बात करें ई टू अरे आएगी नहीं आएगी और ई वन ई टू बताओ गुरु बात करें कैसी है सेम डायरेक्शन में आ रही है अरे हाँ की ना इसका मतलब गुरु अपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी स्केलर की वेक्टर अरे डायरेक्शन है कि नहीं उसकी तो गुरु बात करें हमारे पास अल्टीमेटली दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे अरे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे इसका मतलब गुड़े दोनों जुड़ गए अब जुड़ने का मतलब क्या है इवन कितना है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन बताओ गुड़े ई टू भी कितना है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन मतलब गुड़े कोई आपसे पूछे चाहे बेटू यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं पर भी कोई आपसे क्या कह रहा दीदी बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ गुड़े बात करें कैपेसिटर क्या पूछा उसने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर की दीदी बात करें प्लेट के बीच में गुड़े बात करें विद्युत क्षेत्र कितना है ई कितना है कहां पे बिटवीन मतलब बीच में किसके बीच में दीदी प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में मतलब दीदी बात करें संधारित्र की प्लेटों के बीच में तो आपको गुड़े बात करें क्या बोलना पड़ेगा बताओ बी टू बात करें बिटवीन वाले पॉइंट को हमने बी माना दोस्त तो बी बराबर क्या है गुरु बताओ ई वन प्लस सी टू आया दोस्त नहीं आया ई वन प्लस सी टू गुरु आपने निकाला तो बेटा बात करें जोड़ दिया होगा अपने यहाँ पे कितना है बताओ गुरु ई बी इक्वल्स टू बेटा बात करें कितना आया ई वन प्लस ई टू मतलब सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट मतलब कितना है गुरु बताओ सिग्मा अपॉन दीदी आधा आधा एक हो गया तो कितना आगे बताओ गुरु बात करें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया दोस्त नहीं आया दीदी बात कर ये आ गया कोई आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे दीदी बात करें कि बताओ दीदी बात करें हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में प्लेटों के बीच में दीदी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है गुड़े बात करें और बताओ ये कहां है ये क्लोजर टू पॉजिटिव प्लेट है कि क्लोजर टू दीदी बात कर रहे हैं नेगेटिव प्लेट है कि कहीं भी है अरे यूनिफॉर्मली है दादा कैसा है यूनिफॉर्मली अगर दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव मानोगे ना गुरु जैसे अपने बोले यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालो तो बताओ गुरु इस तरफ जा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जा रहा है अगर कोई पूछे बेटा नहीं इसको यहाँ पे निकालो ओके तो यहाँ तुमने टेस्ट चार्ज रखा तो गुरु तभी यही आएगी मतलब हमेशा देखो बेटू बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट और दीदी बात कर टू वर्ड्स नेगेटिव प्लेट आ रहा है नहीं आ रहा तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट और दीदी बात करें Towards negative charge plate. आ रहा है कि नहीं आ रहा है अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब गुड़े आपको ये समझना है हो पाएगा मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी बात के दोनों प्लेट के बीच में ये कैसी बेटू बात करें यूनिफॉर्मली कैसी बेटू बात करें यूनिफॉर्मली प्लीज इसको याद रखना यूनिफॉर्मली दीदी बात करें इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ चुका है ठीक है कि बेटू बात करें जो विद्युत क्षेत्र होता है सामान्य प्लेट संधारित्र की वजह से वो उनके प्लेटों के बाहर तो कितना होता है शून्य और दीदी बात करें प्लेटों के अंदर कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और गुड़े बात करें जो कैसा होता है यूनिफॉर्मली मतलब हर एक बिंदु पर चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो हर जगह दीदी बात करें कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और अगर दीदी इसी सिग्मा को अगर अपन सॉल्व करें तो बताओ बेटू बात करें जो हमारे पास बिटवीन मतलब बी पॉइंट पर आए वो कितना है सिग्मा की वैल्यू क्या लिखी थी दोस्त आपने याद है बोलो क्यू अपॉन है मतलब बेटा सिग्मा की क्यू अपॉन लिखा तो अपन कितना आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ रहा नहीं आ रहा ये क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ बेटू बात करें क्या मीडियम बहुत अच्छे आ रहा नहीं आ रहा याद रहेगा गुड़े बात करें याद रहेगा नहीं रहेगा तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ये दीदी बात करें चलो आगे आ जाओ गुड़े बात करें एक तो गुरु बात करिए क्वेश्चन आता बेटा पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है दूसरा आता दीदी बात करें क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या पूछता बेटा बात करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कहां पूछेगा बेटा बात करें सेकंड क्वेश्चन गुरु आपसे पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर क्या पूछ रहा है भी पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ गुरु बात करें कहां पे बताओ बेटू बिटवीन द प्लेट्स अब आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा बिटवीन द प्लेट्स क्या पता है गुरु बताओ वी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस को गुरु अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा बात करें वी से तो वी इक्वल्स टू गुरु क्या होता है ई इनटू डी याद है ना दोस्त अरे हां की ना
बताओ बोलू बात करें तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बोलू बात का दोनों प्लेट के बीच की दूरी d। अरे यार उसके नहीं आ रहा है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी थी d, पर E की वैल्यू दादा कितनी निकाली आपने अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, क्या निकाला q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, बताओ बोलू बात करें इनटू d मतलब कितना आ गया बताओ, qd अपॉन a एप्सिलॉन नॉट आया, उसके नहीं आया कर पाओगे। तो ये बेटा बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है गुरु बात करें, और किसमें आएगी बताओ ये बोल्ड, किसमें आ गई ये इतने बोल्ड आ रहा कि नहीं दोस्त। अब जरा गुरु बात करें थर्ड पॉइंट पे आओ, थर्ड पॉइंट आपसे क्या पूछता है, थर्ड पॉइंट पूछता है दीदी बात करें क्या, अब जरा देखो गुरु अगर ये पूछे वो आपसे बाहर बताओ बेटा बात करें प्लेट के बाहर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो क्या लिखेंगे अपन, हमें तो फोर पता है इनटू डी, दीदी बात करें अब डी दीदी बात करें इस प्लेट से कहां से ले रहे तुम भाई साहब, हम चलो सेंटर से भी डी ले लेंगे लेकिन बताओ ई कितना है जीरो, आउटसाइड ई कितना है जीरो, तो बताओ बेटा बात करें वी कितना होगा जीरो, अरे जीरो होगा कि नहीं होगा, मतलब बेटा बाहर विद्युत क्षेत्र भी जीरो और दीदी पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, सोच पा रहे गुड़े बात करें ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट पे गुड़े बात करें, थर्ड पॉइंट पूछता बेटा बात करें कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, कैपे टेंस बोलो दीदी बात करें क्या बोलते धारिता, किसकी धारिता बेटू बताओ, कैपेसिटेंस ऑफ पूरी बात कर क्या कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ दीदी कैपेसिटर बोल सहा की ना कैपेसिटर, या दीदी ये तो अपने कैपेसिटर लिया ना बेटू, कैपेसिटर से पेयर ऑफ लिया क्यों लिया, तो गुरु अपन क्या बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ दीदी बात कर कैपेसिटर मतलब संधारित्र की धारिता। अब गुरु अपन को पता है सी का फॉर्मूला अपने निकाला है क्यू बाई वी, सी का फॉर्मूला क्या निकाला है क्यू बाई वी निकाला, तो उसके निकाला है तो गुरु बात करें सी बराबर क्यू बाई वी लगाओ दीदी बात करें, अगर अपन लिखते हुए बात करें C बराबर Q, Q अपॉन बताओ V, V कितना है Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q गया ऊपर क्या पहुंच गया बेटा, सोच पा रहे बोलो A एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्या होता फॉर्मूला ये तो पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा बात करो इस तरीके से आप लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाय D, आप ये तो पढ़ के आया तक क्या है C equals to F not A by D, C equals to F not A by D, C equals to F not A by D, अरे पढ़ के आया कि पढ़ के आया, तो इसका मतलब बुरे बात करें आपको पता चल गया कि आपकी दीदी बात करें कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है एप्सिलॉन A by D, समझ पा रही नहीं आ रही बुरे बात करें। अब क्वेश्चन पूछता है बेटू बात करें हाँ कि ना, द फैक्टर विच अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ बुरे बात करें पैरेलल प्लेट, गुड़े बताओ पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस होती है गुड़े बात करें यार गुड़े ऐसा पूछ सकते हैं द फैक्टर विच अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट की दीदी बात करें समझ पा रहे हो, पैरेलल प्लेट मतलब समांतर प्लेट की बेटा बात करें किसको धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है, तो एक दीदी बात करें क्या चल गया बेटा दिख रहा गुरु एरिया, मतलब गुड़िया एरिया जितना ज्यादा दीदी कैपेसिटी उतनी ज्यादा क्योंकि उतना ज्यादा वो चार्ज गेन करेगा, सोच पा रहे गुड़िया बात करें डिस्टेंस डी, दीदी बात करें दूरी जितनी ज्यादा दीदी अट्रैक्शन उतना कम होगा मतलब चार्ज उतना कम जनरेट हो पाएगा, नहीं समझे दोस्त, मतलब गुड़िया बात करें डी पे डिपेंड कर रहा है और साथ में डिपेंड करेगी गुड़िया बात करें किस पर एप्सिलॉन नॉट पर, किस पर डिपेंड करेगा एप्सिलॉन नॉट पर, समझ पा रहे मतलब परमिटिविटी और मीडियम पर, सोच पा रहे अगर गुरु बात करें एयर है तो हमने गुलू बात करें हम बेटा कुछ नहीं लिया, सोच पा रहे अगर मीडियम होगा तो एप्सिलॉन आर लेना पड़ेगा क्योंकि रियल में हम ई लेते हैं याद है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर याद आ रहा है, तो गुड़े ये कहां निकाला बेटा आपने एयर में, जब दीदी इनके बीच हमने क्या रखा मीडियम कुछ भी नहीं है मतलब या तो वैक्यूम है या क्या है एयर है या क्या है एयर है, सोच पा रहे तो गुड़े बात करें कोई पूछे फैक्टर क्या पूछे बेटू बात करें फैक्टर विच अफेक्ट गुड़े किसको सी को, सी को अफेक्ट मतलब सी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, द फैक्टर विच अफेक्ट कैपेसिटेंस, पहला दीदी क्या बताओ एरिया, एरिया मतलब कौन सा एरिया, एरिया ऑफ दीदी बात करें प्लेट अरे यार नहीं आ रहा, दूसरा क्या बताओ गुरु डी, डी मतलब क्या दोस्त डिस्टेंस बिटवीन गुड़े बताओ एग्जैक्ट दीदी बात करें बोथ द प्लेट्स अरे हाँ की ना अरे आ जाएगा डिस्टेंस, और तीसरा क्या बताओ गुरु बात करें हमारे पास बताओ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोल दो अरे हाँ की ना डायलेक्ट्रिक उसी को तो बोलते एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर याद है ना गुरु, तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मतलब माध्यम का परावैद्युतांक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमिटिव बोल रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, अरे बुक कुरियर उसी को क्या बोलती के बोल देती है उसी को हम क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिव बोलते हैं ठीक है, तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा तीन चीजों पर डिपेंड करना है कैसे वो तो मैं दिख रहा है दीदी ये बढ़ाओगे ये बढ़ जाएगी, दीदी बताओ एरिया बढ़ाओगे ये बढ़ जाएगी और दीदी बात का डिस्टेंस बढ़ाओगे ये कम हो जाएगी, इससे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्टली कि इनवर्सली इतना मुझे पता है कि भाई इतनी फिजिक्स आती है अपन को दीदी बात करें ऐसा लिखना है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इतना दिख रहा है, अब बताओ गुरु बात करें अगर कोई आपसे पूछे बताओ बेटा ईयर में सी नॉट का मतलब समझ में आया दोस्त या तो ईयर या वैक्यूम बताओ ईयर के अंदर बेटा बात करें या वैक्यूम है इन ईयर
या वैक्यूम? क्या बोले दोस्त? वैक्यूम बताओ, बोलो कितनी आ रही है? C is equal to epsilon naught A by D. आ रहा दोस्त? नहीं आ रहा. लेकिन अगर यही वो वॉल्यूमेट्रिक बात करें, आपसे पूछे कहां पे? इन मीडियम. कहां पूछे? इन मीडियम. बताओ माध्यम में गुरु बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? इन मीडियम. तो मीडियम में वॉल्यूम कितनी लिखोगे बेटा? मीडियम अगर होगा तो ये उसका कुछ ना कुछ एप्सिलॉन आर तो होगा ही कि नहीं होगा? याद है दोस्त? पक्का याद है? मेटल ने कितना लिखवाया था? बहुत अच्छी. पार्टी के लिए 81. मतलब 80 है ना? हाँ. चलो याद है, फिर तो समझ गया. तो बताओ गुड़िया बात कर कितना आ जाएगा? मतलब CM. CM मतलब कैपेसिटी. दीदी बात क्या? कैपेसिटेंस इन मीडियम है कि ना? बताओ कितनी आएगी गुरु? बताओ सी के बाद क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. अरे आएगा गुरु बात करे ए अपॉन कितना जाएगा दोस्त? बताओ डी. अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ गुरु बात करें, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है? एफ सी एम सी नॉट है कि नहीं है? तो अगर सी बीटा फॉर्मूले को अपन लिखे तो क्या लिख सकते हैं? सी एम इक्वल्स टू बीटा बात करें सी नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. करोगे नहीं करोगे? क्योंकि एप्सिलॉन ए बाय डी की जगह हमने क्या लिख दिया? सी नॉट और एप्सिलॉन आर. अकेला बच्चा मतलब बुरी बात करी, ये फॉर्मूला आ गया. ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना. अब आपको पता है दीदी बात करें, आप बहुत अच्छे से जानते हो. क्या जानते हो बुरी बात करें? क्योंकि हम जानते हैं दीदी बात करें, क्या जानते हैं? कह रहे कि चूंकि जानते हो और कुछ नहीं जानते. चूंकि आप जानते हो गुड़े बात करें क्या? कि दीदी बात करें द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी गुड़े बात करें ऑलवेज दीदी बात करें ग्रेटर देन टू वन. एक से ज्यादा दीदी हमेशा है. हाँ. याद है? अब किसके लिए? फॉर मीडियम. किसके लिए भैया? गुड़े बात करें फॉर मीडियम. अगर माध्यम दीदी बात करें कुछ भी भरा आपने, मोम बैग्स मतलब दीदी बात करें पानी, गुड़े बात करें कांच, दीदी बात करें आपने भरा इसके अंदर दीदी मेटल, कुछ भी भरोगे दीदी ईआर की वैल्यू एक से ज्यादा होती सबके लिए. तो फॉर मीडियम. और अगर दोस्त गुरु आपको पता है कि आपने अगर एक से ज्यादा वाली दीदी बात के वैल्यू को भर रखा है तो दीदी अल्टीमेटली मीडियम वाले में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो वैल्यू बताओ बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? इसका मतलब क्या है गुड़िया बताओ? सीएम क्या है दोस्त? बड़ा है. इसका मतलब बेटा बात करें मीडियम अगर दीदी बात करें प्लेटों के बीच में भर दिया, मीडियम प्लेटों के बीच में भर दिया, तो इस दीदी बात करें कैपेसिटी दीदी हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. सोच पा रहे हो दीदी बात करें? अगर इनके अंदर एयर है, अगर दोनों प्लेटों के बीच में एयर है तो उसकी कैपेसिटेंस कुछ कम है, लेकिन जैसे बेटा इसके अंदर आप क्या भरोगे दीदी? मीडियम भरोगे. इस दीदी इसी प्लेट की बेटा इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की गुड़े कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी. सोच पा रहे? सोच पा रहे? तो गुड़िया बात करें सीएम की वैल्यू क्या है बताओ? सी नॉट से क्या है? ज्यादा है. ये गुड़िया बात करें क्वेश्चन किसके लिए? आपके नीट के लिए. सोच पा रहे? अगर थ्योरिकल क्वेश्चन बनाएगा इस तरीके से क्वेश्चन सोचता है. ये बात मैं पहले कर चुका हूँ चार्ज के लिए कि ये है कि नहीं की है. अगर तुमने वहां थोड़ा सा फोकस किया होता तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती. अरे यार ये तो अगर मैं गुड़िया आपसे ये बोलूं बताओ क्या बोले बताओ बेटू बात करें द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हाँ कि ना ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 फैराड हाँ कि ना व्हेन एयर प्रेजेंट दीदी बात करें बोथ द प्लेट दीदी बात करें क्लियर है क्वेश्चन समझे मैंने बोला द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 फैराड व्हेन एयर इज प्रेजेंट बोथ द प्लेट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ठीक है ना ऑफ सेम कैपेसिटर व्हेन व्हेन वाटर इज placed between both the plated. क्या करोगे? कितना करोगे? आगे दीदी 5 तो तब थी जब उनके अंदर क्या था? एयर थी. अब दीदी बात कब ने किया? पानी भर दिया या सिस्टम को पानी में रख दिया? तब भी तो भैया पानी आ जाएगा. इस सिस्टम को पानी में रखोगे तो उड़े बताओ 80 का मल्टीप्लाई मारो कितना आ जाएगा? क्लियर हो गया? ऐसे निकल जाएगी. ये फॉर्मूला है. सोच पा रहे जो ये बता रहा है? तो उड़े बात करें ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है. नोट करो फटाफट. चार्ज कहाँ स्टोर होता है बेटू बात करें? देखो चार्ज स्टोर एट द इनर सरफेस ऑफ देखो चार्ज स्टोर ओनली एट द इनर सरफेस ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर. याद रहेगा दीदी प्लेट ऑफ कैपेसिटर कोई बैरिस्टर मत लिख देना. कैपेसिटर प्लेट ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर की प्लेट की केवल दीदी देखो बेटा संधारित्र की प्लेटों की केवल आंतरिक सतह पर आवेश संचित होता है. चार्ज स्टोर्ड ओनली एट द इनर सरफेस ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर. समझ पा रहे? जबकि बेटा आउटर सरफेस का गुरु कितना चार्ज होता है? जीरो. समझ पा रहे? लिख लो बेटू बात करें द चार्ज एट द आउटर सरफेस ऑफ चार्ज एट द आउटर सरफेस ऑफ द कैपेसिटर विल बी जीरो. कितना होगा बताओ गुड़िया? जीरो होगा. याद रहेगा दोस्त? देखो संधारित्र की प्लेट की बाह्य सतह पर आवेश क्या होता है? जीरो होता है. देखो गुड़िया बात कर दूसरा पॉइंट
इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रेजेंट एट, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रेजेंट एट कहां पे होती है दोस्त? एट छोड़ो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रेजेंट बिटवीन, हाँ कि ना, बिटवीन बोथ द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली प्रेजेंट बिटवीन बोथ द प्लेट्स, बोथ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर यूनिफॉर्मली, कैसा बेटा बात करें बोलो, यूनिफॉर्मली मतलब जानते दोस्त कैसा? एक जैसा, बहुत अच्छे दोस्त, एक जैसा। और बताओ गोलू बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी बेटा? प्लेटों के अंदर बनाई ना मैंने, मतलब कहां थी बूढ़े बताओ? पॉजिटिव से। और जो बूढ़े डायरेक्शन थी वही किसकी डायरेक्शन है बूढ़े? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, याद है? मतलब विद्युत बल रेखा की दिशा बनाई थी आपसे? अरे बनाई थी, बनाई थी विद्युत बल रेखा, यहाँ प्लस से कहां जा रही थी? ऐसी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? माइनस की तरफ। तो ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बूढ़े बात करें। चलो बताओ हाँ, प्लेटों के बाहर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो, ये याद है? नहीं तो दीदी बात कर, लिख लो उसको ब्लाइंड बना बना करके, ठीक है हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे गुड़े जो चार्ज है वो किसके फॉर्म स्टोर होता है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? उसको अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ कि ना, स्थिर दीदी बात कर, ठीक है, या विद्युत स्थिर ऊर्जा, इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो बेटू बात कर। चार्ज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, याद रहेगा दोस्त? लिखो, संधारित्र की प्लेटों के बीच में, संधारित्र की प्लेटों के मध्य में आवेश, आवेश विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य में, संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेश विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, अंडरलाइन कर लेना भाई साहब, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, मतलब होता है। चार दीदी किसके फॉर्म में स्टोर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, प्लीज इसको अंडरलाइन करो, ठीक है दीदी? चलो जो बुढ़िया बात करी हो गया, हेडिंग डालो बुढ़िया बात करें, लिखो प्लेट कनेक्शन मेथड, दीदी बात करें, लिखो बेटा बात करें, प्लेट कनेक्शन मेथड। इसमें बुढ़िया बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ दीदी बात कर, दे दे करके, प्लेट कनेक्शन मेथड लिखो, लिखा जरा आपने प्लेट कनेक्शन मेथड? अरे लिखा बेटू, चलो करो प्लेट कनेक्शन मेथड। इसलिए गुड़े बात कर, दो चीज जरूरी याद रखना, अपन इसकी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है? आगे गुड़े बात कर, अपन देखो एक चीज जरूरी याद रख लो बेटू बात करें, इन सीरियस ये तो अपने पढ़ के आए ट्वेल्थ में तो होगा, ठीक है, मैं उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इन दीदी बात करें सीरियस ऑर्डर, सीरियस ऑर्डर पता है दोस्त? सीरियस ऑर्डर में बेटा बात कर, बताओ गुरु इक्विवेलेंट जो हमारे पास कैपेसिटेंस होता है, हाँ कि ना, कैपेसिटर का बेटा बात कर, वो गुरु कितना होता है, याद है ना आपको? 1/C इक्विवेलेंट।